हेलो व्हेन यू वाचिंग क्लैप ट्रैप, वी आर बैक अगेन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अ पेंटिंग हंग अप ऑन अ वॉल इज नॉट जस्ट लाइक दैट, इट्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ मूड एन आर्टिस्ट वाज गोइंग थ्रू व्हेन ही पेंटेड इट और शी पेंटेड इट फॉर दैट मैटर। सो इफ यू आर एबल टू कनेक्ट टू एनी पेंट वर्क, इट मीन्स यू आर फाइंडिंग इट रिलेटेबल टू योर माइंड सेट। टुडेज वीडियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द शॉर्ट वीडियोज दैट वी हैव अपलोडेड प्रीवियसली। For the people, those who want to see all of them in one go. Hello, sir. How are you? I'm doing good. Thank you very much. All right. So, welcome back. Welcome to Claptrap. Welcome to Archit Art Gallery. Okay. So, man behind the art and your company has been satisfying a lot of connoisseurs like yes. me, art lovers. For the viewer, those who have recently joined us, unke liye hum chota sa introduction le lete hain company ka. Absolutely. Deep Hello, everyone. My name is Archit. I own the Archit Art Gallery. हम लोग 60 ईयर्स से ये बिजनेस कर रहे हैं। वी हैव टू लोकेशन, वन इन कीर्तिनगर और सेकंड इन पचकुइयां फर्नीचर मार्केट। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वी वर्क फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे, मंडे इज आवर ऑफ। ऑलराइट, एंड बिसाइड्स सेलिंग पेंटिंग्स, यू आर प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लॉट ऑफ पीपल, दोज़ हू आर इन्वॉल्वड इन मेकिंग दीस काइंड ऑफ आर्ट्स। करेक्ट। इंडिया इज अ डिफिकल्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू आर्ट, बट slowly we all of us together unanimously we're making a joint effort to push little harder, right? So people, those who are involved in the art industry, they are also making money, like your company is playing is contributing in quite a bit. Correct. So we work with like around 20 plus artists in India. We only work on Indian art, right? And most of them are students, some of them are experienced. Okay. But we always support emerging artists. Right. So 20, when I say 20 are my full time artists. Then there are freelancers, collaborators who come and, you know, give their art. All right. Those are countless. Like every season, everybody comes and give their arts. Most welcome. All right. So फिर right. और आज का concept abstract art आएगा। देखो abstract again is completely a play of colors. मतलब अगर आप मैं आपको ये वाला art दिखाऊँ, मतलब more than anything it's not a subject. Artist जो है अपने ही बनाए हुए colors के साथ खेलता है। He plays with the colors in form of experimenting and mixing multiple colors. और वो एक different form of tone निकलती है, shades निकलते हैं, और उसी के ही अलग अलग palettes बनाता है। किसी art में आप देखोगे कुछ circular form बन रहा है, किसी में vertical बन रहा है, किसी में zigzag बन रहा है, but when artist completely play with his free mind with the colors, वो एक abstract आता है। All right. और interpretation इसका? Interpretation it's completely up to you. मतलब कई लोग इसको स्क्रैपर्स की तरह देखते हैं, कई लोग स्क्रिबल्स की तरह देखते हैं, कई लोग इसको पॉप की तरह देखते हैं। मतलब मोस्टली कमर्शियल जगहों पे, जैसे होटल हो गए, जहाँ पे हमने कहीं जैसे प्लेन वॉल्स होती हैं, वहाँ पे कलर एलिमेंट डालना, तो इस तरीके का काम यूज कर सकते हैं। ठीक है। मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट साइज विच इज 15x15 इंच, यहाँ से स्टार्ट होता है और 4x6 फीट तक जाता है। ऑलराइट, पर मेरे पास बहुत सारे सवाल अभी और भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को लेकर। इनमें ह्यूमन फिगर्स नहीं होती, इनमें प्लांट्स नहीं होते, इनमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, इसमें कोई रियलिस्टिक इमेज नहीं होती। कभी कभी हमको स्काई स्क्रेपर्स, हाई राइज टावर्स, स्ट्रीट्स, हल्का सा रिफ्लेक्शन आ जाता है, ऐसा होता है? ऐसा होता है। देखो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने बोला ना, ये कलर्स का प्ले है। अब कलर्स को यूज कर करके कभी कभार आर्टिस्ट क्या करता है, कोई सिटी स्क्रेपर्स को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करता है। जी। मैं आपको एक अपना आर्ट पीस दिखाऊंगा जिसमें हम दिखाएंगे सिटी आर्ट। यस। ओके, एक दो चीजें और भी है मेरे पास। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्वायर हर शेप में हो सकते हैं, इनको भी कोलाज के फॉर्म में लगा सकते हैं, छोटे छोटे 3 या 4। करेक्ट। आपने बोला पॉपअप को भी डिफाइन कर देते हैं कि हार्मनी क्रिएट करने में कैसे हेल्प करती है, थोड़ा सा एस्थेटिक्स बता दें हम। एब्सोल्युटली। जैसे अब आप ये कलर कॉम्बिनेशन देखो, इसमें ना ब्लू कलर, क्रीम कलर ये यूज हुआ है। अब लेट्स सपोज आपका अगर सोफा के अंदर ब्लू टच है, राइट, यू कैन यूज, आप उस एक एस्थेटिक क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल। इस तरीके का काम, मतलब आपका जो हार्मनी क्रिएट हो जाता है, आपकी पेंटिंग एकदम स्टैंड अलोन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऐसे कलर्स हैं या पैलेट ऐसा है जो कहीं किसी से मैच ही नहीं होता, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। एब्सोल्युटली। एग्रीड। जैसे वो ब्लू है उसमें तो यू कैन प्ले विद ब्लू सोफा, ब्लू कुशन्स। अब ये 4-piece का सेट है, राइट, इसको आप स्क्वायर फॉर्म में लगा सकते हो, इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगा सकते हो, बेड बैक के पीछे, बेड बैक के पीछे लगा सकते हो। इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आपके पास जैसी जगह है, right. वैसे आप उसको। एक क्रिएटिव टिप छोटा सा, पहले जो है ना पेंटिंग्स ऐसे लगती थी, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसे, ऐसे right. नहीं लगाने का, ये दिस इज आउट ऑफ ट्रेंड। एब्सोल्युटली। इनको लगाने के भी तरीके हैं, या तो सर्कुलर लगाना है, या ए शेप लगाना है, या वेव में लगाना है, या फिर स्क्वायर लगाना है। देखो जगह भी, जगह का भी है सारी की गेम, बट कोशिश हो सके तो ये ट्राइंगल सा नीचे मत लगाएं, स्टेप बाय स्टेप इज लिटिल आउटडेटेड, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री, मतलब देर इज नो डाउट इन टू इट कि जो ट्राइंगुलर शेप जो पहले चलता था इट्स कम्प्लीटली आउटडेटेड। अब आजकल लोग zigzag बहुत ज्यादा लगाते हैं, स्क्वायर का टोन बहुत ज्यादा लगाते हैं कि दो ऊपर दो नीचे करके लगा दिए। अब इसमें देखना, एक ब्लू कलर है, ऐसे ही मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ना
गोल्डन मेटालिक कलर्स के साथ भी यूज हुआ। अच्छा, इट्स अ कंप्लीट टेक्सचर। ओके राइट, इसमें भी मेरे पास काफी सारे पीसेस है। ये साइज है 15x15 और इसका प्राइस है 950 रुपीज का। ऑलराइट, एंड इट्स सॉरी प्लीज एंड इट्स अप टू यू, मतलब आप इसको दो पीस भी ले सकते हो, फोर पीस भी ले सकते हो, नाइन पीस का कोलाज भी क्रिएट कर सकते हो। मोर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिक्स्ड विद द कंप्लीट वेरिएशन आपकी वॉल वैसे पॉप करेगी। एक और बेसिक प्रिंसिपल अभी जो बताया जितना वो ये कि छोटे पीसेज हैं तो कोलाज में लगाएं। यस, अभी एक मैडम खरीद रही थी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज एक मतलब राइट, एक छोटा पीस कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। इट्स लाइक अ बेबी लेफ्ट आउट इन द जंगल। मल्टीपल कोलाज करना एक एलिमेंट दिखता है। हाँ। अगर आप दूर से भी छोटी छोटी पेंटिंग्स को देखोगे वो दिखेंगी। एक सिंगल पेंटिंग मतलब पता नहीं लगता कि छोटी सी आर्ट एक्चुअली साइज बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। लार्ज साइज वॉल है तो आप मल्टीपल लगाएं, लार्ज साइज वॉल पे अगर एक लगाना है तो बड़ी पेंटिंग, बड़ी पेंटिंग राइट। ओके, सो ये आपने बता दिया पॉप अप हार्मनी क्रिएट करने का एस्थेटिक से काम। मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ और मुझे अर्चित घूर के देख रहे हैं कि आप बहुत बोलते हो। नहीं जी नहीं, क्यों नहीं, इन्फॉर्मेशन इज द की राइट। अब इसी में ही मेरे पास जैसे साइजेस देखो, जैसे ये एक 2:3 feet का साइज है, इसमें आप वर्टिकल भी लगा सकते हो। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का ये भी फायदा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी जगह के हिसाब से आप उसको या तो वर्टिकल ओरिएंटेशन में लगाओ या हॉरिजॉन्टल। अब आप सेम पीस को मैं अगर आप हॉरिजॉन्टल ओरिएंट कर देता हूँ, ये देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल Unless कि उसके अंदर कोई skyscrapers या करेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है तो then you can play with the orientation. Right. आप अपनी जगह के हिसाब से कर सकते हैं। Vertical consultancy लेते हैं, इस तरह से बात करते हैं। Obviously क्यों नहीं, मैं तो हमेशा चाहता हूँ मेरे कस्टमर के घर में जो चीज लग रही है वो एक आउटपुट उसका सबसे बेस्ट आना चाहिए। चलिए, अच्छा नहीं लगेगा तो वो मजा पेंटिंग खाएगी, मेरी याद नहीं आएगी फिर। ओके, यू आर अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स। आई टेल यू, ऑफ कोर्स यू आर इनटू द कॉमर्स एंड यू आर आर्टिस्टिक एज वेल, बिकॉज़ योर पर्सनल इंटरेस्ट आल्सो रिफ्लेक्ट्स। मेरे और आपके टेस्ट में काफी सिमिलैरिटीज भी, हम जो पसंद करते हैं। दैट्स गुड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दिस वन राइट, ये भी देखो प्ले ऑफ कलर्स है। इसके अंदर भी आर्टिस्ट ने जो है ना बिल्कुल थ्रो कर रखा आर्ट। मतलब देखो कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगेन इट्स कंप्लीटली कलर्स जो आर्टिस्ट ने उसको यूज किया हुआ है। नेक्स्ट में देखोगे ना तो थोड़ा थोड़ा सर्कुलर ओरिएंटेशन के साथ में, टेक्सचर के साथ में उसने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, राइट में एक ब्लू कलर के साथ यूज किया हुआ है। दिस इज लाइक अ पॉप अप, यस वेरी स्ट्रॉन्ग, यस राइट। इसको आप एक बार पकड़ के दिखा दें, ये एक्चुअली क्या है? ये मेरे ख्याल से जहाँ पे आप मतलब फोकल पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट है ना? एक अट्रैक्शन पॉइंट क्रिएट करना है, कोई पॉपअप क्रिएट करना है, कहीं हार्मनी क्रिएट करनी है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ ब्लू एस्थेटिक, कोई भी फैब्रिक इस तरीके का कलर यूज करा है, सेम पेंटिंग यूज करो, एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मैं वर्टिकल में पेयर की बात कर रहा था, ये देखिए हमारे पास दो सिमिलर कलर टोन में पेयरिंग है। अच्छा राइट, ओके okay, जैसे कंसोल होता है, कंसोल के पीछे जनरली आप एक लार्ज साइज का लगाते हैं, वहाँ पे तो वर्टिकल ही लगते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं लगते। दो वर्टिकल सब दो लगा सकते, प्रेफर्ड ऑप्शन है। uh-huh. बाकी इट्स अप टू यू। ओके चलिए, एक ये भी है, पंपकिन कलर का पॉपअप है, पंपकिन इज ट्रेंडिंग आज, आप दिखाइए फटाफट फटाफट। दिस इज आल्सो वेरी नाइस, ये भी आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं। करेक्ट, कंसोल के पीछे क्या प्राइस रेंज था? ये 2:3 feet का साइज है और 4500 रुपीस का सिंगल पीस। चलिए ठीक है, ये सारे के सारे जो एक दो आपने दिखाए थे वो थोड़े मिनिमलिस्टिक थे। यस, मिनिमलिस्टिक भी आते हैं, मिनिमलिस्टिक का एक प्रिंसिपल है वो भी हम बताएंगे। ये मल्टी कलर है। यस ओके, ऑल राइट ठीक है, बहुत सारे निकालू क्या? मैं आपको और साइजेस में दिखाता हूँ। चलिए मिनिमलिस्टिक का एक प्रिंसिपल बता दें, अगर आपका पास स्पेस कम है राइट, और आप नहीं चाहते कि पेंटिंग आपकी बहुत अलग ही दिखाई दे राइट, तो आप ना वही कलर ले लीजिए वॉल के कलर है, तो आपकी पेंटिंग उसके अंदर मर्ज हो जाएगी और आपको बहुत हाईलाइट नहीं होगा। ज्यादा बोल दिया। चलिए लेट्स गो नाउ, क्या दिखाएंगे फिर? मैं आपको इसके अंदर ना थोड़े से 2:4 के रेशियो दिखाता हूँ। श्योर श्योर, और आप चलिए हम आज अनकट चलेंगे, देखते हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, ऐसे और भी चीजें दिख जाती हैं। अब फ्रेम नहीं है इसमें, इसमें फ्रेम नहीं है, ये फ्लोटिंग फ्रेम्स ऑफ आर्ट बोला जाता है। अच्छा, फ्लोटिंग फ्रेम्स बोलते हैं, फ्लोटिंग फ्रेम्स बोलते हैं। ये कैनवस जो है ना स्ट्रेच किया जाता है पीछे, एक मतलब मैं आपको बैक साइड से दिखाऊंगा, वुड के ऊपर पीछे एक वुड फ्रेम होता है। अच्छा। उसके ऊपर पिनिंग करी जाती है, जैसे यहाँ पे आप पिनिंग देख रहे हैं। और इस तरीके से फ्लोटिंग फ्रेम्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, डन। ये भी आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टली यूज कर सकते हैं, इसको आप वर्टिकल ओरिएंटेशन में लगाना चाहें वर्टिकल ओरिएंटेशन यूज कर सकते हैं। इसमें भी मेरे पास अलग अलग कलर पैलेट्स मिलेंगे, कुछ ब्लू टोन में है, इसका तो टेक्सचर इतना हैवी है, इफ यू वांट टू टच इट, आप टच करके देखो, ये पूरा टेक्सचर आर्ट में बना हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एक और बात भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को लेके, जो नॉन आर्टिस्टिक लोग होते हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, टेक टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दे जस्ट लाफ आउट, दे सेड ये क्या है सर, है ना? नहीं देखो, हर किसी का अपना ऑब्जर्वेशन है, यू कांट, आई कांट से कि नहीं आप अपना ऐसा ऑब्जर्वेशन मत बनाओ, बनाओ
व्हाटएवर यू वांट टू यूज बट आप समझ लो, मैं तो सोचता हूँ थोड़ा एजुकेट कर दें हम right. कि ये ना कलर्स के लिए होता है. करेक्ट. ये बेसिकली होता है कि आपके आई प्लीजिंग कलर्स होते हैं. आपको जरूरी नहीं है कि आपको खड़े होकर उसमें स्टोरी रीड करनी है. राइट. यू डोंट हैव टू डू दैट. यू डोंट हैव टू बी वुडी एलन स्टैंड इन द गैलरी एंड से दैट वो द पेंटिंग इज टॉकिंग अबाउट. राइट. मैं अभी इस एपिसोड के एंड में मैं आपको कुछ अपने प्रोजेक्ट की पिक्चर्स दिखाऊंगा. ठीक है. जहाँ पे बिल्कुल प्लेन वॉल्स थी, एकदम मतलब बेज कलर ऑफ एस्थेटिक था. अच्छा. जिसके अंदर हम लोगों ने ये पॉप आर्ट यूज किया हुआ है. यू विल रियली फील कि ये कलर्स अभी जिस हिसाब से थोड़े हेवी लगते हैं ना, किसी भी प्लेन वॉल्स के ऊपर ये कलर्स जो रूम की कितनी लाइफ देते हैं. बिल्कुल. डेफिनेटली. ओके. अब क्या देखेंगे? अब मैं आपको बड़ा साइज दिखाता हूँ. 3:4 का साइज है एब्स्ट्रैक्ट का. चलिए तब तक हम बात करते हुए चलते हैं. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज वेरी पॉपुलर रेजिडेंशियल एरियाज में. कंसोल बेड बैक के पीछे, हेडबोर्ड के पीछे, लिविंग स्टडी, हर जगह. सबसे बड़ी बात है कि कमर्शियल स्पेसेस में सबसे ज्यादा पॉपुलर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है. राइट. ओके. अब अक्षत इज रेडी विद माय फेवरेट, है ना? क्या स्पॉट है ये? ये 3:4 का साइज है एंड इट्स अ फ्लूइड आर्ट. राइट. बना एक्रेलिक कलर से है. जी. लेकिन एक्रेलिक कलर्स को जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया जाता है ना. अच्छा. और कैनवस पे ऐसी थ्रो, रैंडम थ्रो करके ब्लोअर के साथ इसको फैलाया जाता है. अच्छा. इस तरीके से मोर लाइक हेयर ड्रायर जैसा. मोर लाइक हेयर ड्रायर. इट्स एक्चुअली हेयर ड्रायर को ही यूज करके आर्ट को फैलाया और कलर्स को फैलाते हैं. वाओ. तो कोई भी दो पेंटिंग्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती. नहीं, ये फ्लूइड आर्ट में तो कभी भी नहीं हो सकता. एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा ही आर्ट फॉर्म है जो कस्टमाइज नहीं हो सकता, बिकॉज आई कैन नॉट मेक अ रेप्लिका ऑफ द सेम आर्ट पीस इन द एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी. इट्स अ कंप्लीट फ्री हैंड आर्ट स्टाइल जो आर्टिस्ट अपने ही फ्लो में बना देता है पूरे की पूरी. बिल्कुल. Right. Very nice. This has come out very well. How much is this for? This is 11,000 rupees. All right. ठीक है. ऐसे ही ये देखिए. Frame बहुत important role play करता है. In case you are not happy with frames and you want to make changes, like है ना? Right. So, you can buy art from me. You can change the frame at any. मेरा हर art piece इस हिसाब से framed होता है. If you want to replace the frame, you can replace it at any given point of time. ठीक है. Done. Right. This reminds me of ocean and Archit, आप तो गए हैं definitely. JW Merit में एक painting लगी है entrance पे. Right. इसका बड़ा साइज है वो. हाँ जी. और क्योंकि वो ocean के close है. Right. And the whole entire JW Merit Juhu Bombay. Right. Has a reflection of ocean. मेरे पास एक art piece है जिस जो आप उसकी बात कर रहे हैं उसी से ही मिलता जुलता एक ऐसा art piece है. It's a very big art piece. शायद मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ. ब्लू वाला अप्रोक्सीमेट ये 15,500 का. ओके. ओके. ये देखिए ये काफी बड़ा आर्ट पीस है. मैं इसको प्रॉपर उठा के दिखा ना पाऊंगा. अच्छा. बट इट्स द सेम थिंग दैट यू वर टॉकिंग अबाउट. ये ओशन लुक देता है. इट्स अ कंप्लीट नेचुरल ब्यूटी बट अगेन नाइफ आर्ट का काम है. एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. ये हॉर्स है प्लस लिटिल एब्स्ट्रैक्ट है. इसमें नाइफ आर्ट का काम हुआ है. देयर आर 7 हॉर्सेस दैट आर बीइंग डेवलप्ड. ओके. डन. ये एब्स्ट्रैक्ट में आता है? ये एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आता. ये जो आर्ट स्टाइल बनाया गया ना वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है बट इट्स नॉट कम्पेयर टू एन एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में ना मेजर कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते. एक पीछे वाला दिखा दे मुझे. वो ये वाला एब्स्ट्रैक्ट में आएगा. पीछे वो एब्स्ट्रैक्ट है पक्का. यस. लुक एट द साइज. ये क्या स्क्वायर है? नहीं, रेक्टेंगुलर है. ये 4:5 का साइज है. डन. ओके. मैं अब आपको एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट दिखाता हूँ वेयर यू कैन एक्चुअली सी अ सब्जेक्ट. ओके. ये देखो. हम लोग जो ऐसे बात कर रहे थे अभी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ अ सिटी लाइफ राइट एंड पीपल अराउंड इट. देयर आर लॉट ऑफ कमोशन इज हैपनिंग. देयर आर लॉट ऑफ लोकोमोटिव्स, पीपल मूविंग अराउंड. ये सिटी स्क्रेप्स है. राइट. यू कैन आई आल्सो सी कि वहां पे बिल्डिंग्स बनी हुई है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग, देयर इज एन ऑडियंस बिहाइंड इट. ये स्ट्रीट बनी हुई है, ट्रैफिक बना हुआ है. ओह, देयर इज अ मोमेंट. यस, देयर इज अ मोमेंट. देयर इज अ लैंडस्केप बिल्ट इनटू द ट्रैफिक. यू कैन सी इट बट यू कांट सी इट. राइट. इट्स लाइक दैट. यस. ओके. दैट्स द होल आईडिया. देखो, ऑडियंस के ऊपर है. आपका पर्सपेक्टिव है कि ये क्या बना हुआ है. लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं यार ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही. अच्छा. बट टू मी गुड पीस ऑफ छोटा इंटरप्रिटेशन करते हैं अपना दोनों का. राइट. यू विल नॉट कॉपी माय इंटरप्रिटेशन. आई विल नॉट कॉपी योर्स. फॉर योर टर्न फर्स्ट. आपको क्या दिख रहा है? मेरे को तो सिटी स्केप दिखते हैं. मुझे भी हाई राइज बिल्डिंग दिख रहे हैं. मुझे सिटी का मोशन दिख रहा है. ट्राम ट्रैक्स दिख रहे हैं मुझे. और मे बी दिस कैन बी बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ दीज लाइफ. जो जब भी रिफ्लेक्शन होता है नीचे की तरफ, तो जनरली वो तभी होता है जब आप पानी होता है. करेक्ट. राइट. देयर इज अ सेंस ऑफ वाटर. यस. बट देयर इज नो ब्लू कलर. बट देयर इज नो ब्लू कलर. देखो, मतलब आप देखोगे ना, अगर थोड़ा सा ना इम्प्रेशन ऐसे दिया हुआ है कि लोगों का ऑडियंस की शैडोज जो है वो नीचे तक आ गई. अच्छा. डन. अच्छा, दिस कैन बी इवन विदाउट वाटर. यस. ओके. चलिए, आई टेक योर पॉइंट. ओह, दिस इज ऑसम. ये एक लास्ट पीस है एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी के अंदर. आई हेट दैट वर्ड. हां, बाय द वे, हेट इज अ बिग वर्ड. आई नो आई शुडंट बी यूजिंग इट, बट
लास्ट इज मैं लास्ट सेट आर्ट एब्सोल्युटली मेरे पास इतना काम है कि मैं मतलब सारा दिखाता रहा तो दो घंटे हम यही करते रहेंगे. ओके ठीक है डन. ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है. वेरी नाइस परफेक्टली सूटेबल वाइट पेस्टल कलर का वॉल रखिए. ये आप आराम से लगाइए. इसके आगे ग्रे कलर सोफा रखिए, टर्कोइज ब्लू रखिए, यू कैन यूज बेज कलर सोफा, टूपे कलर सोफा एंड दिस लिटिल बिट ऑफ ब्लू कलर कारपेट यू कैन यूज एंड नाइस टर्कोइज ब्लू कलर कुशन. राइट दिस इज सो ब्यूटीफुल. कितने का है ये? 15,500 का. ओके दैट्स ऑल फॉर नाउ. यस दैट्स ऑल फॉर नाउ. लेट्स साइन ऑफ. ओके एब्स्ट्रैक्ट में हमारे छोटे से छोटे पीसेस आपने बता दिए. yes. बड़े से बड़े. यस बड़े से बड़े मेरे पास 4x6 feet का साइज है. अच्छा छोटा सा छोटा 15x15 inch का साइज है. अगेन इफ यू वांट मी टू शो यू प्लीज डोंट नो नो व्हाट दिस इज वेरी नाइस बाय द सेम आर्टिस्ट आई गेस. यस इट्स द सेम आर्ट. फ्लूइड आर्ट है. इसका ओरिएंटेशन है 2.5x5 feet. ओके इसका प्राइस है 13,500. चलिए इस एपिसोड में ना हम लैंडस्केप्स दिखाएंगे जी. इंडियन रियलिस्टिक और मॉडर्न. मॉडर्न के अंदर मेजरली यूरोपियन आर्ट स्टाइल दिखाऊंगा मैं. और टॉकिंग अबाउट माय इंट्रो यू नो आई रिप्रेजेंट अर्चित आर्ट गैलरी. हम लोग 60 years से इस बिजनेस में हैं. इफ यू वांट अ डिटेल इंट्रो यू नो यू कैन एक्चुअली सी द अदर वीडियोस ऑफ अर्चित आर्ट गैलरी एज वेल. ऑलराइट बिकॉज़ इट्स कमिंग अलोंग विद इंट्रो सो दोस दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. यस landscape and street. Street is also part of landscape. Yes. Okay. Yes, yes. Where do people prefer this? Which area of the house? ज़्यादातर जहाँ पे लोगों के पास focal point ज़्यादा होता है ना landscape का देखो सबसे बड़ा plus क्या है? Depth art होता है. Right. मतलब गहराई होती है painting से. अच्छा. 3D look दिया जाता है. तो अब आपका बड़ा hall है, बड़ा master bedroom है. Where you have a complete long tail. तो वहाँ पे जो है यूजली लोग लैंडस्केप लगाते हैं जहाँ पे आपकी स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन अप्रोक्सीमेटली 4-6 feet हो. इससे ज्यादा हो, थोड़ी सी ज्यादा हो अगर आप तो लैंडस्केप प्रेफर करो एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. मैं आपको कुछ आर्ट उठा के भी दिखाऊंगा. ये हर स्टेट का हर कंट्री अलग अलग लैंडस्केप होगा. ओके कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये हमारा इंडियन से स्टार्ट करेंगे. अब ये देखिए हमारा एक इंडियन टेम्पल है कोणार्क टेम्पल. उसका आर्टिस्ट ने एक सीनरी बनाई हुई है जी. इट कवर्स अंडर लैंडस्केप. ओके ऐसे ही अगर हम आगे मूव करेंगे तो ये बनारस के घाट बनाए हुए हैं. राइट वो कोणार्क क्या प्राइस रेंज में होगा? ये 7,500 rupees. ऑलराइट और ये बनारस का? बनारस इज आल्सो एट 7,500. ठीक है डन. राइट अब जैसे मैं आपको कह रहा था ना अगर फोकल पॉइंट ज्यादा है. राइट अब नाउ यू लुक एट दिस. अगर आप इसको दूर से देखो व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन इट गिव्स यू वर्सेस आप थोड़ा सा पास से देखो. यही ब्यूटी होती है अगर आपके पास हाई फोकल पॉइंट है ना. आप लैंडस्केप को यूज करोगे तो यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट्स. ठीक है डन. एंड वी विल टॉक अबाउट द शैडोज एज वेल. इनमें शैडोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशली व्हेन यू हैव स्ट्रीट्स. करेक्ट. ओके और बहुत रियलिस्टिक स्ट्रीट नहीं होते हैं इसमें है ना. ओके डन. नाउ इट इज अ यूरोपियन आर्ट फॉर्म. इसमें हमने यूरोप स्ट्रीट्स को यूज किया हुआ और आर्टिस्ट ने उसको इमेजिनेशन करके वो बनाया हुआ है. ठीक है. दिस इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रीट ऑफ अ यूरोप. थोड़ा कलर्स का प्ले किया हुआ है, थोड़ा पॉपिंग करी हुई है. बेसिकली हम भी थोड़ा सा सजेशन देते हैं अपने आर्टिस्टों को. द रीजन बिहाइंड इज अगर आपका प्लेन घर है लिटिल बिट ऑफ कलर्स यूज करें. राइट दिस इज आल्सो अ वेरी रीजनेबल कैटेगरी दैट आई हैव लॉन्च्ड. ये वाला जो आप आर्ट देख रहे हैं ये साइज है 2x4 feet का और इसका प्राइस है 3,500 rupees. ओके राइट डन. इनके ओरिएंटेशन थे हमारे सबके हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन. राइट ओके डन. हॉरिजॉन्टल जो साइज होता है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट बेड के हेडबोर्ड की तरफ होता है. करेक्ट. राइट करेक्ट. ठीक है आप बेड के ऊपर लगा लो, सोफे के ऊपर लगा लो. इफ यू हैव अ 3-seater सोफा और 4-seater सोफा एंड व्हिच इज विड्थ ऑफ 6 feet तो 4 feet इज मोर देन एनफ फॉर यू टू हैव दिस. राइट. सिमिलरली रियलिस्टिक में ना मेरे पास विद लैंडस्केप कैटेगरी नेचर की कैटेगरी बहुत अच्छी है. अच्छा नेचर इज वन ऑफ दोस कैटेगरी जो लोग बहुत प्रेफर करते हैं. बिल्कुल बिकॉज़ हाई प्लीजिंग लगता है. बहुत ज्यादा हाई प्लीजिंग साइड में आप देखोगे. अच्छा ओह वेरी नाइस ब्यूटीफुल लुक एट दिस वेरी रियलिस्टिक है ना. यस काफी रियलिस्टिक है ये. ऑल ऑफ दिस आर्टवर्क जो नेचर का काम है स्पेशली ये सब इमेजिनेशन है. ऑलराइट सारा आर्टिस्ट का इमेजिनेशन है. अगेन साइज इज 2x4 feet. राइट इस नेचर का जो प्राइस है 5,500 rupees है. ठीक है डन. ये वाला ये भी सेम साइज सेम प्राइस 2x4 feet का साइज है एंड 5,500 rupees इज अ प्राइस. ठीक है ये सारे के सारे ऑयल ऑन कैनवास या एक्रेलिक ऑन कैनवास जो भी मीडियम है अलग अलग होते हैं. यस लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फोकस लाइट डालते हैं तो ये बहुत अच्छा हाईलाइट होते हैं. करेक्ट. अब इसका इस वाले आर्ट पीस में देखोगे ना तो पीछे से ही हम लोगों ने सनलाइट दिखाई हुई है. राइट अब इसी के ऊपर अगर कभी स्पॉटलाइट आए किसी भी घर के अंदर वंडरफुल मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. चलिए नेचर में भी हमारे पास अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं. लाइक छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं. यस जो
छोटा वाला जो है उसका साइज है 15x15 इंच। क्या प्राइस से स्टार्ट? प्राइस है 750 रुपीस। ऑलराइट, चलिए ठीक है। एक रियलिस्टिक में मैं आपको एक्सक्लूसिव काम दिखाता हूँ। श्योर। ये रियलिस्टिक और लैंडस्केप में आएगा? लैंडस्केप में आएगा। ये वर्टिकल ओरिएंटेशन का साइज है। इट्स अ कंप्लीट नाइफ आर्ट सिग्नेचर काम। अच्छा, बनारस घाट को आर्टिस्ट ने इमेजिन करके उसको वर्टिकल ओरिएंटेशन में बना रखा। वेरी ब्यूटीफुल। ये क्या प्राइस है? लॉट ऑफ कलर्स। इसका साइज है 3x5 फीट एंड प्राइस है 36,000। ठीक है, चलिए अभी क्या देखेंगे? अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे जब मैं आपको एक रिलीजियस कैटेगरी दिखाऊंगा। लेकिन हमने बहुत कम यहाँ पे इस समय दिखाए हैं। वैसे हमारे पास अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं, अलग प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। आई थिंक इट्स बेटर टू सजेस्ट क्लैपटॉप फैमिली मेंबर्स कि आप कॉल करें, राइट, साइज बताएं और अपना एक बजट बता दें कि क्या प्राइस रेंज में आपके चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कलेक्शन दिखाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर, हर दिखाई देते हैं, हर कैटेगरी के फेवरेट मेरे हैं वो दिखा दीजिए। चलो आओ। ओके, सो यू गेट टू सी डिफरेंट वेदर हर कंट्री का। जैसे ऑटम आपको दिखेगा, स्नोफॉल है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लाइक वाटरफॉल, ओशंस, रिवर्स, क्लाउड, माउंटेन्स, प्लांट्स, ट्रीज, ये नेचर में आ जाते हैं। ये नेचर में आ जाते हैं, राइट। ओके, ऐसे में आपको एक और एक्सक्लूसिव काम दिखाता हूँ। ये वो रियलिस्टिक में आते हैं, ये बनारस घाट की पेंटिंग है। अच्छा, ये देखिए, ये साइज है 3:4 फीट। अगर इसकी फाइननेस देखो, कितने अच्छा फाइन में काम किया हुआ है आर्टिस्ट ने। ये लैंडस्केप है पर ये थोड़ा रियलिस्टिक में, रियलिस्टिक में ऐसे ही रियलिस्टिक में एक सामने पेंटिंग लगी हुई है। आई एम सो सॉरी, दैट्स ओके। ओके, दिस इज आल्सो कलकत्ता। यस, हावड़ा ब्रिज की पेंटिंग है। ओके, नाइफ आर्ट का काम है, राइट। ये भी बनारस घाट का काम है, एंड दिस इज आल्सो बनारस, बनारस घाट का रियलिस्टिक कैटेगरी भी रियलिस्टिक में है और वर्टिकल ओरिएंटेशन, राइट। ये भी लैंडस्केप में आएगा, बट थोड़ा सा ग्रीस जैसा है ये, सेंटोरिनी आइलैंड्स का, सेंटोरिनी आइलैंड है ये। ओके, डन। लेकिन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट में है वो, एब्स्ट्रैक्ट में है, नाइफ का काम है, टेक्सचर का काम है, डन। ये भी लैंडस्केप में आता है, नेचर की कैटेगरी है, ठीक है, राइट। ये अगर आप उसको पास से देखेंगे ना, ये बहुत हेवी स्ट्रोक्स के ऊपर काम हुआ है। इवन द फ्लावर्स दैट यू विल सी, राइट, वो मतलब नाइफ के साथ में स्ट्रोक्स के साथ काम हुआ था। थिकनेस काफी होगी उसकी। यस, इसका वेट भी काफी ज्यादा है। ऑलराइट, वो एक ऊपर देख रहे हैं, वो भी एक रियलिस्टिक में है। यस, और वो जो बस स्टैंड, वाओ, दिस इज ऑसम। अभी आज आप दिखा नहीं रहे थे हमको बहुत ज्यादा, क्योंकि वीडियो की लेंथ का कंसर्न है हमारा। लेकिन ये लुक एट दिस, बहुत सारे डिजाइन है, छोटे में भी है, हमेशा कोलाज बनाने के लिए। यू वांट मी टू वाइंड अप? हमारे व्यूअर्स के लिए कि जनरली रिलीजियस पेंटिंग्स लोग कहाँ लगा रहे हैं? मोस्टली एंट्रेंस पे लगाते हैं। सेकंड, अगर आपका जैसे पेरेंट्स का रूम है वहाँ लगाते हैं। बहुत लोग ड्राइंग रूम्स और लिविंग रूम्स में भी लगाते हैं, ठीक है, राइट। और देखियो, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फेथ, पर्सनल टेस्ट, पर्सनल टेस्ट होता है। मतलब मैं आपको बोलूँ यहाँ मत लगाओ, वहाँ लगाओ, इट्स कम्प्लीटली योर होम, राइट। लोग ट्रेडिशनल लोग देने के लिए भी अपने घरों के अंदर रिलीजियस पेंटिंग्स लगाते हैं, राइट। और अगर कोई जैसे मंदिर एरिया है वहां पे लोग लगाते हैं। मतलब अभी आजकल लोग घरों के अंदर ना योगा रूम्स और मेडिटेशन रूम्स भी बनाने लग गए हैं, तो वहां पे वो लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि अगर योगा रूम में है तो मैं किसी बुद्धा जी की पेंटिंग लगाऊं या गणेश जी की पेंटिंग लगाऊं या कोई ऐसी पेंटिंग लगाऊं जो बहुत साइलेंस का इंप्रेशन देती है, तो वो वहां पे भी लोग लगाते हैं। मेरे पास हर तरीके का आर्ट है, छोटे से छोटा साइज भी है और बड़ा रीजनेबल प्राइसिंग में भी है, जो 3000 रुपीस के आसपास भी स्टार्ट होता है रिलीजियस, और एक्सक्लूसिव काम भी है जो गोज टू 28,000-36,000 तक भी जाता है। तो डिपेंडिंग, सॉरी, जो फेथ्स जो होते हैं, मतलब लॉट ऑफ पेंटिंग्स दे बिलोंग टू द हिंदू सेगमेंट, राइट, एग्जैक्ट जो एक तो हिंदू लोगों के लिए है, right. Then Sikhs के लिए अलग तरह का होता है, then you have Christians के लिए अलग तरह का होता है, right? Correct, correct. Of course. तो मेरे पास आपको हर तरीके का काम मिलेगा। मेरे पास आपको सिखिज्म में गोल्डन टेम्पल की भी पेंटिंग मिलेगी जी। मेरे को आप अगर हिंदुइज्म में गणेश जी लेना चाहते हैं वो भी मिलेगी, राधा कृष्ण की पेंटिंग भी मिलेगी, बुद्धा जी की भी पेंटिंग मिलेगी। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के हैं तो उनके भी बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर्स की भी पेंटिंग मिलेगी। बिल्कुल, तो डिफरेंट आर्ट फॉर्म, ह्यूमन फेसेस नहीं दिखाते। यस, वहाँ मुस्लिम्स में ह्यूमन फेसेस नहीं होते, लैंडस्केप्स होते हैं। तो मेरे पास आपको हर वैरायटी ऑफ आर्ट मिलेगा। अगर कोई ऐसा आर्ट है जो आपका बड़ा फेवरेट है, यू वांट टू मेक इट, मैं आपको कस्टम एज अ सर्विस भी देता हूँ। आप मुझे आर्ट भेजिए, मैं उसको आपको बना के दूंगा। मेरे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो किसी ना किसी आर्टिस्ट को जरूर बना के दे देंगे। चलिए, वी विल स्टार्ट शोइंग इट टू आवर व्यूअर्स। यस, एक चीज है जो हम बता दें हमारे व्यूअर्स को कि कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि रिप्रोडक्शन है, फोटो है, बट आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ टेकन अबैक, है ना। मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा था कि ये रिप्रोडक्शन है, बट ब्यूटीफुल वर्क, बहुत अच्छा है। वन बाय वन हम सारे दिखाते हैं। ओके, ये मेरा फेवरेट पीस है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये दिखने में इतना रियलिस्टिक है, इतना रियलिस्टिक है कि फॉर अ सेकंड मुझे लगा था कि ये कॉपी, ये फोटो है और ये प्रोडक्शन है। और दिस इज ऑयल ऑन कैनवास और एक्रेलिक ऑन कैनवास। इट्स एन एक्रेलिक ऑन कैनवास। ओके, लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द रियलिस्टिक थिंग।
कितना खूबसूरत बनाया ये, बहुत अच्छा बनाया, वेरी ब्यूटीफुल। ये क्या प्राइस रेंज में है? ये 8500 रुपीस का प्राइस है, साइज इसका 2:3 ओके डन। इसका हमारे पास एक ही पीस होता है ना हर एक का? ये तो कुछ एक्सक्लूसिव काम तो बहुत लिमिटेड ही है हमारे पास। राइट, ओके, सो दिस इज फॉर द पीपल दोज हु डू नॉट वांट टू हाइलाइट दिस, जिनको नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा हाइलाइट हो जाए। राइट, बट सटल टोन के अंदर आर्ट फॉर्म बनाई हुई है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, ये भी एक गणेश जी का आर्ट है। राइट, इसको भी अगर आप देखोगे तो कितने ही माइन्यूट डिटेलिंग के साथ आर्टिस्ट ने काम किया हुआ है। राइट, ये गणेश जी का जो साइज है ये भी 2:3 का रेशियो है। अच्छा, राइट, इसके अंदर फ्रेमिंग भी हमने काफी अच्छी लगा रखी है कंपेयर टू अदर्स। राइट, इसका प्राइस भी 8500 रुपीस का। डन। राइट, ये राधा कृष्ण जी की पेंटिंग है। राइट, ये स्क्वायर ओरिएंटेशन। अच्छा, 3:3 का इसका साइज है। राइट, राइट, इसका प्राइस 7500 रुपीस है। ये जगन्नाथपुरी? यस, ये जगन्नाथ जी का है। ये आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है, इट्स कंप्लीट इमेजिनेशन। अगर आप देखोगे एक डांसिंग लेडी है, उनके पीछे जगन्नाथ जी हैं। राइट, ये भी बहुत एक्सक्लूसिव काम है। और ये वन ऑफ दोज आर्ट है जो मैंने कोविड में लिया था। अच्छा, हाँ, ये अगर आप सिग्नेचर देखो 2020 का परचेज आर्ट है। अच्छा, साइन है यहाँ पे? यस, दिस इज अ सिग्नेचर वर्क। ओके डन। कितने का ये, इसका क्या प्राइस है? ये 11,500 का। लुक एट दिस वन, स्टिल आई एम नॉट आउट ऑफ इट। अभी भी वो मुझे शौक है, मैं जब तक ये लेडी का इमेज नहीं देखता तब तक अगर हम गणपति को देखें तो हमें लगता है कि स्टोन में है प्योरली। राइट, और क्या अच्छी तरीके से बनाया है, मतलब इफ यू लुक एट गार्लैंड, जो माला भी है उसमें से कुछ मिसिंग पीसेज हैं, देन यू हैव द हिबिस्कस फ्लावर, अनलेस यू गेट टू सी द लेडी ऑन द लेफ्ट, आपको लगता है कि पूरा का पूरा फोटो है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। क्या प्राइस रेंज में ये? ये 28,000 का है, इसका साइज 3:4 है, मतलब 3 feet by 4 feet का साइज है। क्या कितना टाइम लगता होगा आर्टिस्ट को बनाने में? ये लग जाते हैं 2.5 to 3 weeks तो मिनिमम आर्टिस्ट ले लेता है इस आर्ट को कंप्लीट करने में। डन, जबकि वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी निकाली होती है। राइट, करेक्ट, ऐसा होता है ना, देखो अगर आप आर्ट में देखो ना, देयर आर मल्टीपल कलर पैलेट्स। राइट, कुछ कलर्स के साथ थोड़ी देर खेलता है, फिर वो वेट करता है, सूखता भी है, फिर थोड़े अलग अलग आर्ट में, मतलब दूसरे आर्ट पीसेस में काम करता है, बिल्कुल, फिर दोबारा उस आर्ट के ऊपर आता है। तो इट्स मोर लाइक जो मूडी आर्टिस्ट होते हैं ना, जो शौकिया आर्टिस्ट होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। जो कमर्शियल आर्ट है, अगर मैं अगर आपको सस्ता वाला आर्ट दिखाऊंगा ना, वो आपको पूरे 8-10 घंटे के अंदर 4-5 बना देगा। हाँ, इसीलिए वो मीडियम भी एक्रेलिक यूज करते हैं, जल्दी ड्राई हो जाता है। एब्सोल्युटली, और उसके प्राइस इसीलिए भी कम होते हैं। मतलब मेरे पास बहुत लोग बोलते हैं कि आप इतनी सस्ती पेंटिंग कैसे देते हैं, क्योंकि हम कई कमर्शियल आर्टिस्टों के साथ भी काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात, जो मतलब दिन में 8-10 पेंटिंग बनाते हैं, तो ऑब्वियसली वो 3,000-3,500 की रेंज में मिल जाती है बहुत इजीली। सॉरी बट वो थोड़ा सा छापने वाला काम होता है, मतलब हम लोग जैसे आपके पास शूट करते हैं तो आप हमारे लिए एक्सक्लूसिव आर्ट निकालते हैं। यस, जो आपको पता है कि दैट विल अपील टू क्लैपर फैमिली मेंबर्स। एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, अगला दिखाते हैं। ओके, लुक एट दिस वन, राइट, ओके, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगता है? ये तो वन ऑफ दोस फेवरेट है मेरा। ओके, इसका साइज 4 by 4 feet का साइज है। और इसका प्राइस 18,000 का है। ओके, ये गणेश जी है। गणेश जी का आर्ट है, एज मैंने जैसे आपको बताया, आप एंट्रेंस में लगाओ, आप अपने बड़ा हॉल है वहां लगा सकते हो, फॉयर एरिया है, जैसे एंट्रेंस होते ही कहीं की एकदम स्ट्रेट वॉल आती है, वहां पे आप ये पीस लगा सकते हो। इनको आप कमर्शियल स्पेसेस में लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली, हॉस्पिटल में तो बहुत पेंटिंग्स लगती हैं रिलीजियस स्टोन में। अगर आप देखोगे तो एकदम हॉस्पिटल की लॉबीज में इतनी सारी पेंटिंग्स लगती हैं। अच्छा, जो गॉड की, बिकॉज एंट्रेंस में दे ऑलवेज वांट की एक रिलीजियस फैक्टर रहे ही रहे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, एक तो वो जो मोमेंट भी होता है ना हॉस्पिटल में आने वाले विजिटर्स का, जैसे प्रेयर रूम होती है। राइट, वैसे ही। डन, क्या प्राइस बताया आपने? 18,000 रुपीस। चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, अगला दिखाएं। ये भी हमारा गणेश जी का काम है। बहुत फाइन वर्क, एक्सट्रीम फाइन वर्क, वन ऑफ दोज आर्ट जिसको मतलब मैं अप्रिशिएट कर करके थक जाता हूँ। अभी आपको मैंने जो स्टोन लुक में दिखाया था, ये उसी आर्टिस्ट का काम है। लुक एट दिस, वो एक अपना एक सिग्नेचर आर्टिस्ट का। यस, राइट, यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। सॉरी मेरे कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा, बट दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। बहुत अच्छा है ये भी। ये क्या प्राइस रेंज में था? ये 22,500 की रेंज में। ओके, चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। एब्सोल्युटली, ये आप नहीं उठा पाएंगे यार, सिट डाउन। नहीं नहीं, जरूर सर, कोशिश करेंगे। ये आपका फेवरेट है? ये तो मेरा गैलरी का सबसे फेवरेट काम है। इसके अंदर ना हमने 3 different ग्रेडियंट्स ऑफ कलर्स को यूज करके, अगर आप साइड की मोल्डिंग्स देखोगे ना, तो दूर से ऐसा लगता है जैसे
एक 3D इफेक्ट दे रखा है बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक CNC कट वर्क का पूरा काम हो रखा है। बट ये कम्प्लीटली हैंडमेड पेंटिंग कैनवस के ऊपर एक्रेलिक कलर्स के साथ बनी हुई है। ये क्या प्राइस रेंज में? ये 28,000 का प्राइस है, इसका साइज 3:5 feet का सेट है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यस, कृष्णा एंड राधा। यस, राधा कृष्ण जी की पेंटिंग है। थोड़ा सा मॉडर्न लुक का टच है इसके अंदर, अगर आप देखोगे एकदम रियलिस्टिक फेसेस नहीं बनाए हुए, थोड़ा सा आर्टिस्टिक काम किया हुआ है और कंप्लीट टेक्सचर पे थोड़ा सा अगर आप पास देखोगे तो वी हैव यूज्ड लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेक्सचर्स। एक्रेलिक कलर में है बट जो आर्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा वाटर कलर यूज भी हुआ है बीच में। अच्छा, दो मीडियम अलग अलग? दो मीडियम है। ओके राइट, इसका साइज है 3:4 का। क्या प्राइस है? ये भी 18,000 की रेंज। ओके, सो नाइस, वेरी वेल डन, अमेजिंग वर्क डन बाय एन आर्टिस्ट। हाउ मच इज दिस फॉर? 63,000। डिफरेंट फेस? यस, ये बुद्धिज्म का काम है, जैसे मैंने इंट्रो में अपना बताया था कि लोग अपना योगा रूम्स बनाते हैं। तो अगर आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स लगानी है तो यू कैन आल्सो यूज सच काइंड ऑफ आर्ट। ओके, इन रीसेंट हिस्ट्री इफ यू सी इन द रीसेंट पास्ट इफ यू लुक एट Buddha and monks has they become so popular. They have got nothing to do with religion. Right. In fact, a lot of Hindus, Christians, even Sikhs, they like to keep it because Buddha has become a symbolism of peace. Peace. Right? Correct. Okay. Peace, silence, मतलब ये इस तरीके का काम अगर घर पे लगाओ ना बहुत calmness आती है। Right. Very true. How much is this for? Again 18,000. All right. Okay, Archit. So time to say goodbye. Yes. Before we sign out, once again we remind all the Clapper family members that we could not feature all the paintings. There's so many designs available, different sizes, different prices, right? Right. And they all are available for pan-India delivery. Yes. With frame, without frame? It up to you. आपको जैसे चाहिए, with frame delivery possible है. Without frame चाहिए, without frame भी. Obviously, with frame size बड़ा हो जाता है, cartridge बढ़ जाती है, weight बढ़ जाता है, तो delivery cost add हो जाती है ज़्यादा. But without frame चाहिए आपको, without frame भी available हो जाएगा. इस episode के अंदर we'll majorly talk on the boho art, right? Boho is a concept where all the travelers travel around the world, collect different form of art and design their interiors, places, their homes, their residence, their corporates. तो मैं आपको वो वाला आर्ट दिखाऊंगा जो मेरे पास है। ठीक है, ये थोड़ा सा एवरेज आर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इनके कलर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। करेक्ट, एंड नॉट नेसेसरली दे आर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, समटाइम्स दे आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर। थोड़ा रॉनेस होता है, थोड़ा एजी होते हैं, थोड़ा क्वैकी भी लग सकते हैं लोगों को। ये बाकियों से आर्टिस्टिक काम ज्यादा होता है। राइट, चलिए अब हम पीसेस दिखाते हैं। श्योर, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो आर्ट पीस है ये बोहो के अंदर आता है। राइट, इसके अंदर लाइन आर्ट का इतना फाइन काम हुआ है। Right, even the paper that we have used is also a very very thick quality of paper. The framing that we have used, वो भी काफी exclusive framing है। ये Italian frames हैं जो हम लोग use करते हैं। अच्छा। Multiple frames आते हैं, Indian frames हैं, कुछ Chinese frames हैं, कुछ Italian moldings आती हैं। ये मेरी Italian moldings हैं जो मैं इसके अंदर use कर रहा हूँ। This is one of the piece. Second piece अगर आप देखेंगे इसी के adjacent में लगा हुआ। Right. जी। अगेन मैंने जैसे आपको बताया था ये कम्प्लीट आर्टिस्टिक काम होता है, मतलब दीज आर नॉट कमर्शियल आर्ट, दीज आर नॉट समथिंग विच इज रन इन द मिल वाला काम हो रहा है। आर्टिस्ट जो होता है अपने ही पूरे पूरे थॉट्स के साथ में लाइन आर्ट लाइन्स को यूज करके ये आर्ट बनाया जाता है। मतलब इफ यू गो वेरी डिटेल्ड, देयर आर सो डिटेल्ड वर्क दैट वी हैव डन इन दोज आर्ट पीसेस। बिल्कुल, और इनका सबका जो इंटरप्रिटेशन है, हर ऑन लुकर का अपना एक खुद का इंटरप्रिटेशन होगा इसको। करेक्ट, जब भी आप इसको देखेंगे तो आप अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूंगा। जैसे मुझे लगता है इसे ह्यूमन बॉडी, इसे वर्ल्ड लाइफ, इसे सिटी लाइफ मिक्स्ड विद द लॉट ऑफ कॉलोनियल लाइफ, है ना, इसमें सिटी भी रिफ्लेक्ट करता है। करेक्ट, राइट, चलिए ठीक है। इनके कलर पैलेट भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। चलिए, फ्रेम्स कभी भी इनके बहुत ज्यादा लाउड और ब्लिंगी नहीं होते, दे आर लिटिल एजी एंड रफ, डिस्ट्रेस फिनिशिंग में ज्यादा होती है। राइट, बोहो का एक और फीचर होता है कि जिसमें डिस्ट्रेस होता है, केन है, विकर है, वुड है, राइट, हॉर्न्स वगैरह यूज होते हैं इनमें। अब इनका साइज बता दे, प्राइस बता दे। सर ये अप्रोक्सीमेटली 2:3 का रेशियो है, मतलब कम्प्लीटली एज टू एज अगर हम बात करें तो 28x40 inch का साइज बढ़ता है। ठीक है, और इसका प्राइस मैंने बड़ा रीजनेबल 7500 रुपीज में रखा हुआ है। ऑलराइट, चलिए, दो है, इसके अलावा कुछ और भी है ना हमारे पास? ये हमारे पास छोटे साइजेस में भी है। This one is again boho. Yes. Okay. तो color match कर सकते हैं blue से? हाँ, absolutely. जैसे आप blue के साथ में एक red का दो vertical को orientation use कर सकते हो। Right. कहीं आपका queen size का bed है, you have a smaller wall. Okay, आप इसको हटा के दिखा दीजिए, because this is our favorite part. अब जो हम देख रहे हैं सारे के सारे vertical form में, right. ये horizontal है। ये वाला horizontal orientation में है। Okay. ये देखिए। Wow. थोड़ा सा reflection है light का भी। Can't help it, है ना? हाँ, ये पेपर का काम है, तो पेपर का काम जो है ना ऑलवेज ग्लास के साथ में फ्रेम किया जाता है जी, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा।
अगेन दिस इज अ वर्टिकल. अगर जैसे आपको कहीं दो पीस यूज करने हैं, यू कैन यूज ब्लू एंड रेड एज अ कॉम्बिनेशन टुगेदर. आजकल जो आप देख रहे हो घर बन रहे हैं मोल्डिंग्स के साथ बनते हैं, राइट, जो पूरी इटालियन मोल्डिंग्स बनती है, तो फ्रेंच स्टाइल हाउसेज है उसके अंदर इफ यू वांट टू यूज लिटिल आर्टिस्टिक काम यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज टुगेदर. 28-40 इंच का साइज है ये, वर्टिकली ओरिएंटेशन के साथ आ सकते हैं. मैं आपको द नेक्स्ट वन नाउ कलेक्शन दिखाता हूं. एंड दे आर द लार्ज साइज पीसेस, वेरी गुड. कैन आई सी दिस? आप इसको प्लीज एक बार मुझे दिखा दें. थोड़ा आपको मेहनत करवा दी हमने. कोई ओके. सो the base color is green and more like a emerald green, so you can actually have a coordination. halanki boho mein bahut zyada coordination ka dhyan nahi hota, baaki interior se aap rakh sakte hain isko. correct. chaliye isi mein hi ek aur piece hai. it's more in black and white. iske color component agar aap dekhoge to almost nil hi hai ji. ye pure white paper ke upar kaam kiya gaya. wow. last time I remember we got one from you. wo mere bedroom mein hai. that looks yes. stunningly beautiful. right. ab mujhe lag raha hai ki matlab I'm confused now. ye ek orange mein hai ye bhi. yes yes okay. yes done. ye bhi this is again a boho. right. iska art style dekhoge agar aap. so this is a lady who is just drinking and smoking hookah. right. again typical traits of a traveler. yes. right. yes. be the man and a woman. i mean they do not bias people on the basis of gender. correct. correct. so they basically are, if you see, agar aap dekhe bahut commonly archit ek cheez hai sab mein कि बोहो आर्टिस्ट दे नेवर डिस्टिंग्विश और जज पीपल और दे डोंट क्रिएट वेरी क्लियर मार्क बिटवीन मैन एंड वुमेन. दे हैव अ वेरी न्यूट्रल अप्रोच टुवर्ड्स बोथ द जेंडर्स. राइट. एब्सोल्युटली. लेट्स टेक आउट सम स्मॉलर वन नाउ. यस फॉर श्योर. दिस अगेन इज बोहो वर्टिकल ओरिएंटेशन. इज वर्टिकल. वर्टिकल ओरिएंटेशन. ऑलराइट. प्राइसेस आर सेम फॉर ऑल ऑफ देम. यस. ओके. नाउ फॉर द पीपल दोज हु वांट टू मेक अ कोलाज, कोलेशियल सॉर्ट ऑफ वी कॉल इट एज, बेसिकली where you have multiple units hung upon a wall. right. especially when you see the wall size is little small. right. right. and you don't want to actually make a very in the face look. then you can go for this one. okay. there are multiple colors used in this one. what is the size, Arshit? ye iska size hai 14x19 inch. okay. this is one. moving on to the next one now. this is two. okay. but these are very rare pieces. absolutely. ye inke na copy ka kaam nahi hai. ye matlab for example if any of the piece got sold out. to aisa nahi hai that you will यू नो मैसेज मी एंड से कि मेरे को यार दोबारा ये वाला पीस ला दो. तो ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक काम है. एक बार ही आर्टिस्ट ने अपने थॉट्स के साथ कुछ बना दिया तो वो मतलब वही वन इन द वन पीसेस ही है. ऑलराइट डन. दिस अगेन इज दिस. इसमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट स्केचिंग है. द वन व्हिच आई शोड यू बिफोर वो कलर्स के साथ था. बट थोड़ा सा हमने अपनी रिकमेंडेशन के साथ कि कलर के साथ कौन सी मोल्डिंग अच्छी लग रही है तो वैसे फ्रेमिंग करी है. ब्लैक एंड व्हाइट के साथ कैसी फ्रेमिंग अच्छी लग रही है तो हमने वैसी फ्रेमिंग करी है. राइट. I know that plays an important role. Mounting भी उसी हिसाब से आपने की है. Correct. For example, black के साथ black. Correct. Right, there are few more. Yes, there are few more. अब मैं आपको कुछ ना Indian boho दिखाता हूँ style. Indian boho. Yes. Okay. Okay. ये राजस्थान का काम है. उदयपुर में भी मिलता है, किशनगढ़ में भी मिलता है, जयपुर में भी मिलता है. Okay. तो I travel a lot. और वहाँ से मैंने काम देखा, अच्छा लग रहा था. Then I thought, you know, मुझे ये category डालनी चाहिए. Right. ये tiles के ऊपर drawing हो रखी है. ओके. ये दीज आर ओरिजिनल टाइल्स. अगर आप किसी पे भी थोड़ा सा ज़ूम करोगे हां आई कैन सी क्रिस्टलाइजेशन है. तो क्रिस्टल्स हैं उसमें. यस. ओके. इट्स अ प्योर मार्बल टाइल. राइट. उस टाइल के ऊपर ड्राइंग्स होती हैं और फिर वो मैं टाइल खरीदता हूं और फ्रेमिंग में अपने ही थॉट्स के साथ क्रिएटिविटी के साथ उसकी फ्रेमिंग कराता हूं. वाओ दिस इज नाइस. आई लाइक दैट. ये मेरे ख्याल से ना ये उस थीम में भी जाता है. इंडियन बोहो है ये. इसको भी फ्यूजन में मिक्स कर लीजिए आप. एट द सेम टाइम जो लोग थोड़ा सा विंटेज हवेली सॉर्ट ऑफ डिजाइन फॉलो कर रहे हैं वो लोग भी लगा सकते हैं. एब्सोल्युटली. आजकल मैं तो ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ. बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स काफी प्ले अराउंड और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं घरों के साथ. जी. फर्नीचर देखोगे आप पूरा मॉडर्न. पूरा मॉडर्न. वॉल्स देखोगे पूरी इंडियन. राइट. राइट. दे कंप्लीट क्रिएट अ कंप्लीट फ्यूजन अराउंड द हाउस. बिल्कुल. कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मोनोटोनस लगे. right. कि घर भी पूरा का पूरा मॉडर्न, वॉल्स भी पूरे के पूरे मॉडर्न. ओके. एक और काम मैं आपको दिखाता हूँ. ये छत्तीसगढ़ का काम है. अच्छा. इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन आर्ट. इसको बस्तर आर्ट बोला जाता है. राइट. इसके अंदर अंदर ब्रास का काम हुआ है. अगेन आई गो देयर बाय डायरेक्ट ब्रास फ्रॉम देयर. ओके. ब्रास वाला जो अंदर के आर्टिफैक्ट्स है और फिर उसके बाद फ्रेमिंग हम अपनी करते हैं. अच्छा. बड़ा ही रीजनेबल में. जो आप सबसे छोटा वाला साइज देख रहे हैं ये 500 रुपीज, ये सबसे बड़ा वाला देख रहे हैं 1400 रुपीज. तो यू कैन बाय वन. यू कैन यूजुअली आई रिकमेंड बाय मोर लाइक अ सेट बिकॉज ये कोलाज की तरह लगेगा. थोड़ी स्पेस ज्यादा कवर करता है. राइट. तो रादर देन बाइंग वन बिग पेंटिंग इफ यू हैव अ लेसर बजट
ये मतलब आप भी लगा लो 500 पर पीस के हिसाब से यू कैन मेड मल्टीपल कोलाजेस एंड बड़े रीजनेबल वे में अपना वॉल डेकोर कर सकते हैं। वन सिंगल पीस लुक्स लिटिल आइसोलेटेड आई गेस, यू शुड हैव एटलीस्ट फोर ऑफ देम, थ्री ऑफ देम, टू ऑफ देम, एब्सोल्युटली, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वॉल। एंड हाउ मच इज दिस फॉर द स्टाइल आर्ट? द स्टाइल आर्ट इज 1500 रुपीस ईच। यस, I want to pan my camera to you. It is Juilliard, the jewelry, this it's necklace jewelry. Is 15? Yes, 1500 rupees. The bigger one? And the bigger one is 2500 rupees. Wow, that's nice. Very cost effective. Yes. This has a resemblance of that Tanjore. Correct, Tanjore work. Tanjore work. Okay. And we'll continue today. This is actually the Bastar art, but again can be used in? Boho art. One form. Of the boho. Yes. Okay, even the abstract art can be used in one of the boho, the one you have it, right? Yes. Okay, boho as it is the fusion of all arts. Correct. Right? Okay. Correct. Okay, so that's all. You can create a boho scheme of your own. You can mix a lot of other elements as well if you want to. But we have focused mainly on the things that we believe belonging to the boho pattern. Correct. Right? Right. This is for the people like you and me, those who are travelers, quirky, creative and artistic. Absolutely. Right? Thank you very much. We'll go to the next episode now. Yes.